which is 800 meter wide. See, 800 meter wide. Let us say this is a river. This is a river which is 800 meter wide. ऐसे फ्लो हो रहा है रिवर, एनी हाउ कैसे भी फ्लो होने दें, 800 मीटर. वी हैव अ रिवर विच इज 800 मीटर वाइड, फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, अ स्विमर, मतलब रिवर फ्लो हो रहा है ऐसे, लेट अस से ऐसे, हाँ लेट अस से ऐसे रिवर फ्लो हो रहा है. ओके, सो आई जस्ट शो यू हर डायरेक्शन. वेलोसिटी ऑफ वॉटर, करेक्ट, we will do the calculation in kilometer per hour only, later we shall convert it. 5 kilometer per hour, let's not convert in meter per second. A swimmer can swim at 10 kilometers per hour in still water. Can you tell me what is the meaning of this? A river can swim 10 kilometers per hour in still water. Matlab pani jab beh nahi raha hai, when water is not flowing in shant water, he can swim with 10 kilometers per hour. He can swim with 10 kilometers per hour. Okay, so theek hai. He wishes to cross the river straight. This itself is your brain now. This itself is your brain now. See, bacha, I have a doubt. I have a doubt. Bacha, agar ye swimmer hai, agar isko straight cross karna hai, to should he go straight or should he go little left or should he go little right? उसका ऑब्जेक्टिव है कि उसको स्ट्रेट ही जाना है. अगर उसको स्ट्रेट ही ट्रेवल करना है तो माई क्वेश्चन टू यू इज, उसको स्ट्रेट जाना पड़ेगा या जरा लेफ्ट जाना पड़ेगा या जरा राइट जाना पड़ेगा? वॉट कैन यू अंडरस्टैंड, वॉट कैन यू अंडरस्टैंड? अगर यू हैव गॉट ब्रेन, यू विल आंसर करेक्टली. इफ योर इमेजिनेशन इज वीक, यू विल स्ट्रगल. हा कम ऑन, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट. कम ऑन, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट. एवरीबडी हैव टू ब्रेन, यू हैव टू यूज ब्रेन. यस, मैक्सिमम आर करेक्ट, फ्यू आर रॉन्ग. फ्यू आर रॉन्ग. सी, एक तो कंफर्म है सर, ये तो हो ही नहीं सकता कि वो स्ट्रेट जाए. क्यों? अगर स्ट्रेट जाएगा, पानी इधर ऐसा फ्लो हो रहा है तो ऐसा नहीं जाएगा. सी, दिस इज व्हाट इज इमेजिनेशन, दिस इज व्हाट इज इमेजिनेशन ऑफ फिजिक्स. ओके, इफ 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 यू वांट टू गो स्ट्रेट, यू शुड नॉट गो स्ट्रेट. सी, व्हाट इज द विश? ही विशेस टू क्रॉस स्ट्रेट, बट व्हेन ही विल गो स्ट्रेट, वॉटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग रे. सी, इफ वॉटर इज कंटिन्यूस फ्लोइंग, ही इज गो स्ट्रेट, बट ही नॉट बी एबल टू गो स्ट्रेट. हीज एंगल विल बी दिस वे नाउ, मतलब वो क्रॉस क्रॉस करेगा. He will travel cross. He doesn't wishes. Due to flow of water, वो ऐसा जाएगा. So, बच्चा बोल रहा है मेरे को, एक तीन चार बच्चे, एक तो ग्रेड बच्ची है, वो बोलती है सर राइट जाओ. राइट जाएगा, ऑलरेडी पानी ऐसा है तो और ऐसा जाएगा. ओके, सो उसको राइट नहीं जाना चाहिए, उसको लेफ्ट जाना चाहिए. अगर वो लेफ्ट जाएगा, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है. देख, अगर एक वेक्टर ऐसा होगा, ये स्विमिंग का वेक्टर, मैन का, स्विमर का, ये वेक्टर किसका होगा? ये वेक्टर रिवर का होगा, रिवर यानी पानी का होगा. तो ये ऐसा पहुंचेगा, करेक्ट है? डू यू एग्री नाउ? तो ही वो स्ट्रेट पहुंच पाएगा. तो ही हैज टू गो इंक्लाइंड, करेक्ट, इंक्लाइंड लेफ्ट. नाउ एवरीवन इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज टू गो इंक्लाइंड लेफ्ट in order to reach straight. He has to go inclined left in order to reach straight. Do you agree with me? Any confusion here? Those who said wrong, do you agree with me? Right bole unko to haan hi bolega. Jo bachcha wrong bola, uska reply karo, kya tu agree karta hai? Hai na? Come on. Okay. Fine. Great. So you have to drive in this way. So swimmer, yes, this will be the velocity of swimmer.
वेलोसिटी ऑफ स्विमर, SWIM लिखा हो स्विमर, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ वॉटर, सो दिस इज हाउ ही विल रीच, करेक्ट है, करेक्ट है, डिड यू गेट मी राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, यूज द सेम फॉर्मूला व्हाट यू डिड, रिजल्टेंट वाला ही फॉर्मूला आएगा ना, इसमें रिजल्टेंट किसको लेगा, मुझे चाहिए ही है, मुझे ये चाहिए, बट क्या ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है 90, ब्रेक, इसीलिए ये प्रॉब्लम टफ है बच्चा, मैं बहुत धीरे बात करता हूं, ये एंगल 90 है, करेक्ट है, इसमें मेरे को ये चाहिए, ओके ये चाहिए, व्हाट इज सी अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा लेटर, रिजल्टेंट, ओके मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगा, बच्चा इधर ही कंफ्यूजन है, आई एम रिपीटिंग वेरी वेरी स्लोली, इधर ही कंफ्यूजन है, मेरे को ये चाहिए, ये वेलोसिटी चाहिए, ये भी सब जस्ट भी बोला, अब मेरा पॉइंट क्या, मेरा पॉइंट क्या, जब तू फॉर्मूला लेगा इसको रिजल्टेंट मानेगा कि वी स्विमर को रिजल्टेंट मानेगा, दिस इटसेल्फ इज द टफेस्ट पार्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इस टॉपिक का, इस प्रॉब्लम में, ओके थोड़ा सा ब्रेन चाहिए, आई रिपीट, आई वॉन्ट इसका वेलोसिटी कि वो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, बट इफ यू गो बाय द टिपिकल डायग्राम, इज दिस द रिजल्टेंट, इज दिस द रिजल्टेंट, इज वी द रिजल्टेंट, इज वॉटर वेलोसिटी द रिजल्टेंट और वेलोसिटी स्विमर द रिजल्टेंट, बाय फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला यू टेल, बाय फॉर्मूला यू टेल, फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला हु इज द रिजल्टेंट, हाइपोटेनस इज द रिजल्टेंट, डू यू एग्री सर, बाय फॉर्मूला हाइपोटेनस इज रिजल्टेंट, डू यू एग्री, बाय फॉर्मूला हाइपोटेनस इज अ रिजल्टेंट, एवरीवन हैज नो कंफ्यूजन इन दिस, हाँ एवरीवन हैज नो कंफ्यूजन इन दिस, बाय डायग्राम इफ यू गो सर, इफ यू गो बाय डायग्राम हाइपोटेनस इज अ रिजल्टेंट, एकदम परफेक्ट बोला, सो एक्चुअल फॉर्मूला क्या लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी जो रिजल्टेंट चाहिए मुझे, जो रिजल्टेंट चाहिए मुझे, प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर का स्क्वायर, डू यू ऑल एग्री विथ मी, ये अगर बैठा तो प्रॉब्लम हो गया, बस इतना ही प्रॉब्लम है, ये अगर तेरे दिमाग में करेक्ट कॉन्सेप्ट बैठा तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया है, बोल आया तुझे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आया तुझे, नहीं नो सर किसके लिए, क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, क्या आते थे, वी स्विमर, स्विमर का कितना था रेट, कितना मार रहा था 10, वी रिजल्टेंट मालूम नहीं, वी पानी, पानी पानी पांच, पांच का स्क्वायर 100 and 25 75 करेक्ट ना, ओरली लिख सकते हैं, ओरली लिखेगा 10 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 125 75 सो वी रिजल्टेंट इज रूट ऑफ 75 तो कैलकुलेटर यूज कर सकता है, दैट इज अलाउड, ओके रूट 75 इज 8.66 मीटर पर सेकेंड, ये आया वी रिजल्टेंट, तो मेरे को कौन सा आया, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आया, मेरे को कौन सा आया, फर्स्ट सेकंड या थर्ड आया, जो क्वेश्चन पूछा था उसमें से फर्स्ट आया, सेकंड आया कि थर्ड आया, सेकंड आया, अब मेरे को बोल डायरेक्शन चाहिए, बच्चा अभी डायरेक्शन चाहिए, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एंगल लेके सर, एंगल लेके सर, कौन सा एंगल लेगा सर, वर्टिकल से कितना इंक्लिनेशन है सर, कौन सा सर, जो ठीक लगता है लो, साइन लो, कॉस लो, टैन लो, जो ठीक लगता है लो, इसको हम लेंगे, ये तो 90 है मालूम है, ये लेंगे वर्टिकल से कितना एंगल है, अल्फा बोल, वर्टिकल से ऐसा एंगल है तो अल्फा बोल, वर्टिकल से ऐसा एंगल है तो अल्फा बोल, ओके जो चाहिए ले, अल्फा ऑपोजिट अपॉन साइन लेना है, साइन ले, ऑपोजिट अपॉन हाइपो, साइन थीटा ले, क्या फर्क पड़ता है, साइन थीटा ले, साइन थीटा इज ऑपोजिट, ऑपोजिट इज वी ऑफ वाटर,
डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस वी ऑफ स्विमर, वी ऑफ वाटर कितना था? वी ऑफ वाटर कितना था भाई, किधर गया? वी ऑफ वाटर 5 था, वी ऑफ स्विमर 10 था। अरे वाह, हाफ साइन थीटा आया, हाफ बच्चा कितना है थीटा? साइन इनवर्स ऑफ हाफ बच्चा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना बच्चा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ कितना है? 30 डिग्री सर, 30 डिग्री आ गया। ओहो हो हो, मतलब अब समझ में आया, ऐसा क्या मतलब स्विमर को ऐसे स्विमिंग करना पड़ेगा वर्टिकल से 30 डिग्री और एल्स पानी से 120 डिग्री करेक्ट ना, पानी से, क्योंकि ये 90 है, हाँ पानी के डायरेक्शन से 120 एग्री किया, पानी ऐसा फ्लो हो रहा है ना, पानी के डायरेक्शन से 120 पे स्विम करना पड़ेगा तो वो कहा जाके स्ट्रेट क्रॉस करेगा। ओ करेक्ट करेक्ट, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, पानी फ्लो होता है, तू अगर स्ट्रेट जाएगा तो स्ट्रेट नहीं जाएगा, पानी के फ्लो की वजह से तू वाकड़ा जाएगा, इसीलिए तू वाकड़ा जाना है ताकि तू स्ट्रेट जाए। अब तू कितना वाकड़ा जाना है वो 30 डिग्री। बोल फील आया नहीं आया, बोल सबको प्रॉब्लम का अच्छे से फील आया नहीं आया? टच टेल रियली मस्त क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, किलोमीटर पर आ, सॉरी 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 किलोमीटर पर सेकंड में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा ध्यान नहीं गया किलोमीटर पर आ, मेरा ध्यान नहीं गया किलोमीटर पर आ लिखना, एकदम बराबर कॉन्सेप्ट। अभी लास्ट क्या बचा, हाउ मच टाइम वुड ही टेक, हाउ मच टाइम वुड ही टेक, वेरी सिंपल बच्चा, हाउ मच टाइम वुड ही टेक, अगर वो चाहिए तो हाउ मच टाइम वुड ही टेक, जिसका देख रूल क्या है वेक्टर का, वेक्टर का रूल यही है, जिसका वेलोसिटी पता है, जिसका डिस्टेंस पता है, उसी का टाइम लेना। अब मेरे को ये डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस है तो ये वाला पट्टे का ही वेलोसिटी लेना है, ये सी ध्यान से सुनो, अगर ये डिस्टेंस पता है तो ये पट्टे का वेलोसिटी लेना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस पता है, हाँ अगर ये डिस्टेंस पता है तो ये डिस्टेंस पता है तो इसका वेलोसिटी लेने का। अब मेरे को कौन सा डिस्टेंस पता है ये, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, थर्ड कर रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस कितना है 800 मीटर है, यही मीटर है, कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलकुलेटर, कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में 8.66 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 तुझे आता ही है, 8.66 इंटू 5/18 2.4 आ रहा है, 2.4 मैं लॉन्ग कह गया, 8.66 इंटू 5/18 2.44 आ रहा है, ओके ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो वेलोसिटी 2.4 इंटू टाइम, सो डिवीजन था 800 डिवाइडेड बाय 2.4, सो टाइम दुनिया का टाइम आ रहा है, ओके मीटर्स पर सेकंड में आ रहा है टाइम, मेरे को बहुत आ रहा है टाइम, आ रहा है 333.3 सेकंड्स डिवाइड बाय 60 का, डिवाइड बाय 60 का 5.5 मिनट्स, ऐसा ही फील आने के लिए मिनट्स बोला, आंसर सेकंड्स में लिया तो चलता है, फील आने के लिए मिनट्स बोला, आंसर सेकंड्स में लिया तो चलता है, ओके क्लियर, प्रॉब्लम इज क्लियर। टफ क्यों है, क्योंकि मैं अभी इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल तक नहीं गया हूं, इसका कॉम्पिटिटिव लेवल का सेम क्वेश्चन नीट 2019 के 2020 का नीट का क्वेश्चन ये था, ओके जस्ट आई विल राइट हियर, नीट 19 का क्वेश्चन के 20 का क्वेश्चन ये था, मुझे याद नहीं, 19 और 20 का क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन था, हालांकि वैल्यूज अच्छे थे, वैल्यूज अच्छे का मतलब क्या, बिन कैलकुलेटर कर सकते हैं, एग्जामिनर वैसा वैल्यू देगा, डोंट वरी, ऐसे कॉम्प्लेक्स वैल्यू वाले कैलकुलेशन नीट में नहीं आते हैं, रेयर आते हैं, ऐसा नहीं करके नहीं आते, आते हैं बट स्टैंडर्ड, दे ट्राई टू कीप इट स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट ऑल फ्यू दे विल मेक इट टफ। बोल कॉन्सेप्ट गया हाँ या ना, बोल कॉन्सेप्ट गया हाँ या ना,
कैसे लग रहा है? एक जनरल कंसेंस तुम्हारा, एक जनरल कंसेंस तुम्हारा, अब तू थोड़ा बहुत मोशन सीखा, अब तू मैकेनिक्स देखा है, अब तेरा व्यू क्या बन रहा है फिजिक्स के ऊपर कि सर सब्जेक्ट कैसा है? टफ इजी नहीं, मतलब फीलिंग क्या आती है देखने पर? फर्स्ट फीलिंग व्हेन यू आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, व्हाट इज योर फर्स्ट व्यू? मजेदार बच्चा बोलता है. फीलिंग तो जो है बट एप्लीकेशन स्ट्रांग रहना चाहिए ब्रेन का टू अप्लाई दी लॉजिक. सर बहुत हाई लेवल ऑफ थिंकिंग एक्सप्लोर चाहिए. सर दिमाग तो फोड़ना पड़ेगा, बिन दिमाग के होगा नहीं. और स्कूलिंग में किसी ने रट के 99 लिया होगा वो इधर टिकेगा? मतलब स्कूलिंग में सिर्फ बाय हार्ट किया क्वेश्चन आंसर्स और वो सब बाय हार्ट करके लिया, वैसे बच्चे इधर टिक पाएंगे क्या 11th 12th में? है ना, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है.